वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की जो बची हुई परीक्षाएं थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्णय की जानकारी दी गई। तीन परीक्षाओं में परफॉर्मेंस के आधार पर अंक मिलेंगे, विकल्प दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। सीबीएसई ने बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। बोर्ड की परीक्षाएं जो होनी थी जुलाई में उसे रद्द कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने। तीन परीक्षाओं में परफॉर्मेंस के आधार पर अंक मिलेंगे, ये बड़ा फैसला सीबीएसई बोर्ड का कोरोना काल को देखते हुए। तो आपको बता दें, कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर परीक्षाएं कराना मुमकिन नहीं है। और इसी के मद्देनजर जगह जगह पर जहां पर परीक्षाओं के डेट्स सामने आ गए थे, वहां छात्रों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। और अभी सीबीएसई और आईसीएसई की भी कई परीक्षाएं बची हुई हैं, जिसमें सीबीएसई बोर्ड का ये फैसला आ गया है कि परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि छात्रों को स्कूल बुलाया जा सके। शंकर सुमन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शंकर, ये बड़ी खबर है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, परीक्षाओं को रद्द है वो बेहद भयानक है, और उसे देखते हुए परीक्षाएं कराना मुमकिन नहीं है। अपडेट लेना चाहेंगे आपसे। देखिए जी ना, इसमें तीन जो राज्य हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, जिसमें बताया था कि ये जो तत्काल परिस्थिति है कोरोना काल की वजह से, इसमें संभव नहीं है कि ये जो परीक्षा है 10वीं और 12वीं बोर्ड का सीबीएसई का, ये कराना संभव नहीं है इन सरकारों में, जिसमें दिल्ली, उड़ीसा और महाराष्ट्र की जो सरकार है, इन तीनों राज्यों की सरकार ने हलफनामा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद मंगलवार को इसमें फैसला, ये सुनवाई हुई थी और आज के लिए वो सुरक्षित रख लिया गया था फैसला। और अभी जो इसमें सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आई है कि अब जो फिलहाल 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जो ये वैकल्पिक परीक्षा होनी थी, जो बचे हुए इसमें एग्जाम रह गए थे सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के, ये अभी इसको कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर है कि छात्रों के अभिभावकों के लिए भी तीन राज्य की जो सरकार है जिन्होंने हलफनामा दायर किया था, उनके लिए भी ये राहत की खबर है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कोरोना की वजह से असमर्थता जाहिर की थी, तो निश्चित तौर पर है कि अभी ये अगर उड़ीसा की बात देखें या चाहे दिल्ली और महाराष्ट्र टॉप पे चल रहे हैं ये दो जो राज्य हैं, तो निश्चित तौर पर है यहाँ पे न सिर्फ सरकार को दिक्कत थी, बल्कि जो शंकर परीक्षाएं रद्द करने का फैसला तो अब हो चुका है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऐलान भी कर दिया, लेकिन क्या स्कूल कब तक खुलेंगे इसके बारे में कोई जानकारी अभी सामने आ पाई है, क्योंकि नए सेशन की शुरुआत के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली? देखिए अभी फिलहाल कोई जानकारी इसके बारे में नहीं आई या इसके पीछे ठोस वजह यही है कि दो अगर राज्यों की बात करें जिला इसमें, तो महाराष्ट्र और जो दिल्ली है, इन दो राज्यों में जिस तरह से कोरोना है बेहिसाब बढ़ रहा है, इनके जो देखें तो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो निश्चित तौर पर अभी की स्थिति में कहीं कोई निर्णय ले पाए, यही कारण है कि एग्जाम जो है इनको रद्द कराने के लिए, कैंसिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी सरकार। हालांकि देखिए तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, इन्होंने एजादी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को पत्र भी लिखा था, इसमें उन्होंने कहा था कि इस पर गौर किया जाए, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार है तो संभव दिख नहीं रहा है। वही अभिभावक की अगर बात करें या पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स भी, कुछ पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने भी ये वहाँ पे गुहार लगाई थी कि ये तत्काल जो है परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इन दोनों राज्यों की जो बात है, यहाँ पे जो कोरोना अपना विकराल रूप धारण किए हुए है, तो ऐसे में काफी खतरा है उन बच्चों के लिए, क्योंकि सामूहिक तौर पर वहाँ अगर बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर खतरा होगा। तो फिलहाल देखिए कि इसमें अभी जो सेशन की बात आप कह रहे थे, तो अभी तत्काल कहीं कोई सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप आइए, बड़ी खबर बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही निर्णय लिया गया कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा।